अभी हम एक शूट करके वापस जा रहे थे और सोचा नहीं था अब दोबारा कोई शूट करना पड़ेगा, लेकिन एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई और पूछने पे पता चला कि भाई साहब नेपाल से हैं। तो हमारी दिलचस्पी बहुत बढ़ गई इनके बारे में जानने की, क्योंकि कई बार होता है ना जब हम किसी ऐसे आदमी से मिलते हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता ना हो, वो हम वो किसी दूसरे कल्चर का हो, तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है उससे बात करना। तो आइए हम आपसे भी मिलवाते हैं, हमारे साथ हैं। आपको हिंदी आती है, बात कर सकते हैं हिंदी में? हाँ, थोड़ा थोड़ा आते हैं, थोड़ी थोड़ी आते। हाँ जी, क्या नाम है आपका? पदम साम है। यहाँ पर कब से हैं? यहाँ पर लगभग लगभग 2 महीना हो गया। 2 महीना? हाँ जी। नाम क्या बताया आप, हम एक बार समझ नहीं पाए। पदम तामंग। पदम तामा? हाँ जी। तामा सरनेम है? हाँ जी। हिंदू है? हाँ, हिंदू है हम। अच्छा, तो पूजा करते हैं? हाँ पूजा, मतलब पूजा करने मतलब भगवान को मानते हैं? हाँ। कौन से भगवान को? ये शिवाजी। शिवाजी शिव जी को? हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? हुँ? यहाँ पर मतलब किस कारण से आए, क्या काम करने के लिए? यहाँ पर हम दुकान खोलने के लिए। दुकान? दुकान में। हाँ। अच्छा, तो अगर जो काम यहाँ आप जैसे कर रहे हो, क्या करते हैं यहाँ? मोहम्मद दुकान कर रहे हैं। किस नाम से है आपकी दुकान? पदम कुमार मोहम्मद दुकान। पदम कुमार मोहम्मद। तो अगर आप लालगंज से हमारा वीडियो देखें तो, या फिर लालगंज के आसपास से, तो आइएगा भाई की दुकान में और सपोर्ट करिएगा, क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं, हमारे पड़ोसी देश नेपाल से आए हुए हैं। आपको वहाँ के और यहाँ के कल्चर में कुछ फर्क नजर आता है? कल्चर ये फर्क होता है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, जैसे क्या मतलब थोड़ा थोड़ा में क्या फर्क होता है? यहाँ पर वहाँ नेपाल में कल्चर में ये नाच गान थोड़ा थोड़ा होता है, यहाँ पर डेली होता है। ये कल्चर धर्म बहुत होता है यहाँ पर। और क्या बहुत होता है यहाँ पर? धर्म। धर्म? धर्म? हाँ, संस्कृति। अच्छा अच्छा, वहाँ पर होता है, कम होता है? हाँ, कम होता है। अच्छा, तो त्योहार मनाने के जो तरीके हैं, अभी 2 महीने पहले आप नेपाल में ही थे? हाँ, नेपाल में था, फर्स्ट टाइम आया था मैं। फर्स्ट टाइम आया? हाँ। अच्छा, तो आपकी दुकान कब से यहाँ? मेरा दुकान ये लगभग 1.5 महीने हो गए। 1.5 महीने? हाँ। तो धंधा ठीक चल रहा? हाँ, ठीक ठीक है। अच्छा, तो ये लॉकडाउन की वजह से यहाँ आना हुआ या पहले से प्लानिंग थी? लॉकडाउन से पहले। हाँ। वहाँ पर काम ठीक नहीं चल रहा था? नेपाल में? हाँ, नेपाल में ये सब कुछ चलता है, लेकिन ये मोमोज का होटल नहीं चलता है, इसके लिए भारत में पसंद पड़ता है। हमारे लालगंज के लोगों को बहुत पसंद भी है मोमोज, मतलब नाम लेते ही पानी आ जाता है मुँह में। तो हम आएंगे आपकी दुकान तो खिलाइएगा हमें भी। और जैसा आप कह रहे थे कल्चर में थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा मतलब त्योहार होते हैं, और तो त्योहार मनाने का जो तरीका होता है, अब हिंदू हैं तो जो हिंदुओं के त्योहार यहाँ होते हैं वो तो कुछ सेम ही होते होंगे, कि अंतर आता है उनमें भी? हिंदू सेम होता है, सेम त्योहार। हाँ, वहाँ पर। अभी अभी तो यहाँ त्योहार शुरू हो गए हैं, दशहरा हो गया है, अब करवा चौथ आएगा, दीपावली आएगी, तो आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर त्योहार मनाए जाते हैं। हाँ, दीपावली वो सेम होता है, सेम। हाँ, सब सेम होता है। अच्छा, और यहाँ इंडिया आने के बाद इंडिया में आप कौन कौन सी जगह पर घूमे हैं? टूरिस्ट प्लेसेस मतलब धार्मिक या फिर रहते? घूमने? हाँ, घूमे कहाँ? हाँ, यहाँ पर गांधी चौर है। नहीं, लालगंज के बाहर अगर कोई मतलब मशहूर जगह पर? नहीं नहीं नहीं, अभी कहीं घूमे नहीं। घूमे? प्लानिंग है कभी मौका मिले तो? हाँ, मौका मिले तो। आपको मालूम ही होगा कि हमारे भारत के लोगों की दिलचस्पी बहुत होती है नेपाल में, और बहुत सारे लोग मतलब हर महीने जाते हैं वहाँ पर घूमने, नेपाल में? नेपाल घूमने जाते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई थी, वो नेपाल का टूर करके आए थे, तो वो बता रहे थे कि वहाँ पर भाषा की बहुत दिक्कत होती है उनको, मतलब उनका ये कहना था कि नेपालियों को इंग्लिश भी आती है, नेपाली भी आती है और हिंदी भी आती है, लेकिन वो हम लोगों से जानबूझकर हिंदी में बात नहीं करते, अपनी भाषा में बात करते हैं, तो ऐसा क्या सही है? वो सही नहीं है भैया। मतलब वो जो हमें बता रहे थे वो सही बता रहे थे, ऐसा है कि नहीं? हाँ, सही बता रहे थे। लोग नेपाली में ही बोलते हैं? नेपाली में बोलता है, हिंदी नहीं आते ना उन लोग, सब नेपाली में बोलता है, कभी कभी नेपाली में बोलते है। तो भारत की कितनी भाषाएं जानते हैं आप? भारत का ये एक भाषा है सिर्फ हिंदी। और भोजपुरी? भोजपुरी जानते हैं, लिखी हुई है। भोजपुरी में आपका मतलब रुचि है, इंटरेस्ट है? भोजपुरी में नहीं, इंटरेस्ट नहीं है भैया, इंटरेस्ट नहीं है। फिल्में देखते हैं? फिल्म भोजपुरी नहीं देखते, हिंदी फिल्म देखते हैं। हिंदी डेली देखते हैं। आपके नेपाल में हिंदी फिल्में देखी जाती हैं? हाँ,
हिंदी भाषा में ही? हाँ हिंदी भाषा में देख जा रहे हैं। अच्छा कौन सी फिल्म है जो आपको बहुत अच्छी लगती, कोई नाम बताएंगे? ये सराउंड फिल्म। कौन? सराउंड। नेपाली है? नहीं हिंदी है। हिंदी? हाँ। अच्छा हमने ही नहीं देखी, हम फिल्में बहुत कम देखते हैं। हाँ और कुछ आप बताना चाहें वहाँ के कल्चर के बारे में? वहाँ के कल्चर के बारे में नहीं, हो गया भैया। अच्छा अभी आप कुछ बता रहे थे चाइनीज वगैरह के आपको लोग बोल देते हैं, वो क्या कारण है, किस कारण से? वो ये चाइनीज नहीं भैया, ये नेपाल की भाषा में बोलते हैं हम, लेकिन यहाँ के लोग चाइनीज समझ लेते हैं। और हम कब बोल रहा था चाइनीज मत बोलना भैया, बोल रहा हूँ। और ये हमारे मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे तो गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे, कहने वाले हमारे देश का एक प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, कहने वाले उनको भी चाइनीज बोल देते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश हमारा है और वहाँ के लोग हमारे हैं, और जब वो हमारी साइड आते हैं तो उनको बहुत ज्यादा समस्या उठानी पड़ती है, झेलना पड़ता है कि लोग उनको चाइना वाले समझ के उनका तिरस्कार करते हैं और उनकी बेइज्जती कर देते हैं। ये बहुत गलत है। हम तो अतिथियों का स्वागत करते हैं, हमारे लिए तो अतिथि भगवान होते हैं, तो ये भी भाई साहब भी हमारे लिए बाहर से ही आए हैं, अतिथि हैं, नेपाल से हैं, और हमें इनसे कुछ खास लगाव हुआ, इसी वजह से हमने आपसे को इनसे मिलवाया है। अगर आप कभी लालगंज जाते हैं तो इनसे मिलिएगा, भाई की दुकान है, एक बार फिर से आप दुकान का नाम बता दीजिए। पद्म कुमार मोमोज। पद्म कुमार मोमोज के नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।